स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 क्लियर किया। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क। आपको एक स्क्वायर पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है 320 मीटर। तो देखो, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको साइड गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, ये जो आपको 320 मीटर गिवन है वो पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो साइड का एक फार्मूला होता है, देखो, साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क, साइड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये एक फार्मूला है कि अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है और साइड फाइंड आउट करनी है तो पेरीमीटर बाय में 4 करके आप साइड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर में कितना गिवन है, 320 बाय में 4, तो ये आपका आ गया 80 मीटर, ठीक है। यानी आपकी साइड आ गई है 80 मीटर। अब हम इजीली जो है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क फाइंड आउट करना है हमें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड हमने अभी फाइंड आउट किया 80 मल्टीप्लाई 80, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 6400 मीटर की स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इट्स क्लियर, आपको क्लियर हो चुका है। एरिया जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम साइड को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एरिया का फार्मूला लगा के साइड मल्टीप्लाई साइड करके हमारा आ गया 6400 मीटर की स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।